ओम श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी समर्थ माझ्या यूट्यूब चैनल वर तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनस्वी हार्दिक स्वागत करते। स्वामींजींनी प्रार्थना करते की हे स्वामी महाराज, सगळ्यांना सुखात समाधानात आनंदात आणि ईश्वर ठेवा। तुमचं नामस्मरण अखंड या मुखात सुद्धा ही स्वामींजींनी प्रार्थना करते आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते। तर आजच्या व्हिडिओचा विषय आहे तो म्हणजे काय, तर कार्तिक मास सुरू झालेला आहे आणि त्याचं महत्त्व काय आहे आणि काही म्हणजे ज्या जुन्या ऐतिहासिक कथा आहे त्या या मासा या महिन्याला जुडलेल्या आहेत। तर त्या कथा मी आज तुम्हाला म्हणजे त्याचं महत्त्व आणि मास सुरू झालेला आहे हे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। व्हिडिओ हा हिंदीमध्ये राहणार आहे कारण जी माहिती मला मिळालेली आहे ती सगळी हिंदीमध्ये आहे। चला मग व्हिडिओला सुरुवात करते। श्री स्वामी समर्थ। इस साल कार्तिक माह 29 म्हणजे 29 अक्टूबर रविवार से शुरू हो चुका है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर को होगा। कार्तिक माह तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करने से अक्षय पुण्य प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों का प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्नदान करने से पापों का सर्वथा नाश होता है। धार्मिक दृष्टि के इस महीने का महत्व क्या है, तो पुराणों के अनुसार इस माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार शंकासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छुटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेद को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ में स्वयं जल में रहूँगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाला पर कुबेर जी भी कृपा करेंगे। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं सीधा वैकुंठ प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक मास के महात्म में बताया गया है कि एक गणिका थी, जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिनों को कार्तिक स्नान का महत्व बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तप पर जल दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्योदय की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ में चली गई। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूजा की थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटनारी बन गई। कार्तिक महत्व का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप जलाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी बनी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इसका महीने में अन्नदान दीपदान करता है उसे उस पर कुबेर महाराज की भी कृपा करते हैं। तर असं हे महत्त्व होतं कार्तिक मासाचं की ज्यामध्ये पौराणिक कथा आहेत ज्या आपल्याला काही माहिती नाहीत त्या मला आज मिळाल्या होत्या म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवला। तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। केलेली सेवा स्वामींजींनी अर्पण करते। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।